विनाश कर देगा जोगी सरकार महाराज, ये कहते हैं विनाश कर देगा जोगी सरकार, विनाश पर नहीं है, हवा हवाई विकास है उनका, झूठ बोलना विकास है और काम करना विकास नहीं। शुक्ला जी हमको बोले थे कि नाम ले लीजिए भाजपा के हम लोग के सामने, नाम मत लीजिए। ईश्वर में रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं हम आप तक न्यूज। हमारा नाम राम नरेश यादव है। अच्छा, अरे मैकवा कहाँ छीन रहे हैं? हाँ तो हम बैरिया विधानसभा से क्षेत्र से बोल रहे हैं, हम अंचल जी का क्षेत्र है। अच्छा, यहाँ अंचल जी को साइकिल चुनाव चिन्ह से टिकट मिला है और हम लोग यहाँ सपा वाले हैं और सपा में हम लोग जो है साइकिल का मतदान करेंगे और साइकिल को जिताकर अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे हम लोग। अच्छा, मुख्यमंत्री बनाएंगे? जी जी। तो ये बताइए कि 2012 में चुनाव हुआ तो जयप्रकाश अंचल जी और यहाँ के राज्य की बात करो तो अखिलेश यादव ही सरकार थे, तो 2017 में किस कारण से हार गए? देखिए अपने कोई ना कोई अपने कोई कारण के अवश्य से लोग हारते हैं, बोले की बात है। हर आदमी को हर समय में मतदान को हर आदमी वक्त में हर जनता चुनती है। एक बार जोगी जी को मौका दिया गया, देखे कि जोगी जी कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं काम कर रहे हैं। अब इसमें जो है कि बदलाव तो हर इंसान को 5 साल में चाहिए, तो जोगी जी को देख लिया है। अब अखिलेश जी को हम लोग को देखना है कि भाई वो इसके पहले तो विकास किए, वो लेपटे बांटे लड़कों को छात्रवृत्ति दिए सब कुछ दिए, तो हम लोग देखे कि भाई जोगी जी आएंगे तो इससे भी बेहतर काम करेंगे। वो तो वो जो इनका नाम था वही काम को तो बस लेवल हटा हटा कर वही लेवल लगाए। अरे 112 नंबर निकलवा दिया। अरे 100 नंबर को 112 नंबर जीएसटी का लगा उधरवा कर 112 नंबर लगा दिया और क्या बदला क्या है? अरे मेडिसिन आपके सनवर्षा हॉस्पिटल में मेडिसिन मिल रही है। मेडिसिन जो कुछ बदला है वो पहले की बात है, वो आज के समय का नहीं है। वो अंचल जी के पहले के पास किया था और सुरेमनपुर से चलकर और बैनिया जाने वाला रोड जो सिंह बीजेपी के थे तो यहाँ क्या कहते हैं यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया गया कि जो है बरई सुरेमनपुर से चलकर बैनिया तक जो रास्ता है वो सुरे अंचल जी का देन है, ये सुरेंद्र जी का देन नहीं है। आज भी पॉलिटिकल कॉलेज बना है, सब कुछ बना है, तो पहले ही का ये थी पास किया हुआ है। यहाँ बीजेपी सरकार से ने ये अनंत स्वरूप शुक्ला जी से मैंने पूछा कि आपकी 2017 से 2022 तक आपकी सरकार थी केंद्र डबल इंजन की सरकार थी, तो उनसे विकास के बारे में मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई कार्य ही नहीं बचा कि जो विकास ना हुआ, यहाँ तो सब गदगद हुआ है, तो इस पे आप लोग क्या कहने हैं? विकास कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए बीजेपी जो सरकार है मीठी में इतना पानी लगा हुआ है, बीजेपी क्या विकास किया है? कुछ काम नहीं किया है शुक्ला जी बलिया में, कुछ काम नहीं किया है। वो यहाँ से अबरी पूरी तरह से हार कर जाएंगे। विकास को कोई काम पर नहीं है, हवा हवाई विकास है उनका, झूठ बोलना विकास है और काम करना विकास नहीं है। अच्छा, यहाँ तो मतलब कि उनके हराने के लिए सुभाष यादव जी भी कह रहे हैं कि हम मायावती पार्टी से वोट मांग रहे हैं। बात सही है, तो आप लोग क्या उनको वोट देंगे? हर पासी अपने दावा ठोकते हैं, बाकी रह गया कि इसमें जो हम लोग को जनता को चुनना है कि कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है। सुभाष यादव जी को वोट देंगे आप लोग? सुभाष यादव जी को वोट देंगे? नहीं अभी समय में तो नहीं देंगे, बाकी इसके बारे में हम लोग दूसरे समय में सोचेंगे। अच्छा। अभी तो नहीं सोच रहे हैं, अभी तो वर्तमान में अंचल जी को हम लोग सोच रहे हैं। अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग सुभाष जी को वोट नहीं देंगे, जरूर देंगे, बाकी अभी समय जो है चल रहा है साइकिल को सपा को चल रहा है, सपा को हम लोग को मतदान करना है, साइकिल को जिताकर अखिलेश जी को सरकार बनाना है। ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम मतलब कि अभी कुछ दिन निकला था कि 5 किलो राशन के मुफ्त दिया जा रहा है, तो हम उसके साथ 1 किलो घी भी देंगे, तो इस पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश जी तो बोले हैं 5 साल जो है, सुनिए अखिलेश जी बोले हैं कि 5 साल बोले हैं कि हमारा सरकार बनेगी तो 5 साल हम जो है राशन फ्री देंगे और 3 यूनिट बिजली जो है हम फ्री देंगे, हर जनता के लिए देंगे और सब कुछ जो कहते हैं वो वादा पूरा करते हैं। ये लोग कहते हैं उसको वादा का नहीं पूरा करते हैं। अच्छा, ये लोग कहते हैं वादा नहीं पूरा। अरे रेलवे लाइन डबल बनवा दिया। अरे डबल लाइन तो पहले के जो पास है ये तो देखिए सेंट्रल सरकार की बात है। यादव जी का जितना ठीक ना सबसे है कि सेंट्रल सरकार की बात है, इसमें सेंट्रल सरकार की बात है, इसमें राज्य की सरकार की बात तो रेल नहीं है, तो रेल को काम को जब राज्य सरकार की बात नहीं है तो इसमें रेल सरकार को बातें मत कीजिए। जो आप क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि डबल इंजन का सरकार, उनके काम में डबल इंजन के सरकार में यही एक काम डबल हुआ है, डबल झूठ। जितना मोदी जी झूठ बोलते हैं उतना उसका छोटा नेता योगी जी झूठ बोलते हैं, और उनसे जितना उनका छोटा नेता है वो भी झूठ बोलता है। वो 5 किलो गेहूँ दे करके हम लोगों का 5 एकड़ गेहूँ चरवा दिया, सांड भैंसा छोड़ करके ललका सांड से
जनता परेशान है, पेट्रोल डीजल का यूरिया को काट करके वो 50 किलो को यूरिया मिलती थी, वो 45 किलो का 40 किलो का करके और दाम बढ़ा दिया उनसे दोबारी। हाँ, किसान मर रहा है डीजल पेट्रोल से, हम लोग परेशान है। हाँ, वो कितना झूठ बोलेंगे, इतना नौजवानों का। वो तो कह रहे हैं कि हम लोग सब कुछ का रेट महंगाई किया, तो सरकारी जॉब जितने भी कर रहे हैं सबकी सैलरी हमने बढ़वा दिया। कहाँ, किस चीज की सैलरी? अरे ये गार्ड की 15,000-10,000 थी, उनकी 25,000 कर दी। वो तो राम जन्म मंदिर के नाम पर सब नौकरी वालों से चंदा पैसा लेकर के वो काम किया है, जो मंदिर बनवा रहे हैं। कॉरिडोर बनवाया योगी जी ने? अरे कुछ नहीं, ये सब बकवास है। कॉरिडोर बनवाया बनारस में? नहीं नहीं नहीं, हाँ। ये सब बकवास है, योगी जी और मोदी जी, हाँ। सब झूठ बोलते हैं, झूठ का मोटरी उन लोगों का कोई स्कूल है झूठ बोलने वाला। भैया ये देखिए दूध बेचते हैं, भैया सांच सांच बताइएगा, आप दूध में कितना पानी मिलाते हैं? पानी में तो हम दूध में तो आधा दिन पानी मिलाते हैं। ये अखिलेश यादव जी का गढ़ है। हाँ बाबा, ये बाबा है। बाबा आप क्या करते हैं? हम केवल अखिलेश यादव को वोट देंगे बस। यहाँ कह रहे हैं कि योगी सरकार फिर बनेगी, तो कह रही है कि पूरा विकास करेंगे। विनाश कर देगा योगी सरकार, महाराज ये कहते हैं विनाश कर देगा, योगी सरकार विनाश कर देगा। अरे यहाँ आनंद स्वरूप शुक्ला जी हमको बोले थे कि नाम ले लीजिए भाजपा का, हम लोग के सामने नाम मत लीजिए, बस वही बात है। अरे बाबा हमारे पे क्यों गर्माते नहीं, गर्माते नहीं है, हम योगी सरकार को देखना नहीं चाहते, अपना कान से सुनना भी नहीं चाहते है। योगी सरकार क्यों नहीं देखना चाहते हैं? वो भ्रष्टाचार कर चुका है। क्या भ्रष्टाचार किए हैं? स्कूल बंद, गाड़ी बंद, कारखाना बंद, सब बंद कर दिया। अच्छा सरकार को जिला व्यर्थ है। अच्छा, यहाँ तमाम खबरों के साथ यहाँ की जनता की आवाज़ हम आप तक न्यूज की आपको मिल रही है कि यहाँ दुआबा क्षेत्र 363 विधानसभा का समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी पड़ रहा है। मैं नीलेश वर्मा, रिपोर्टिंग बलिया, जय हिंद।